हेलो एवरीवन, ये है फ्राइड राइस। वो भी 3 मिनट में बनने वाली झटपट ये फ्राइड राइस है, और इसमें हम पनीर भी डाल दें तो और ही बेहतरीन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए बहुत ही जल्दी बचे हुए चावल का बनता है। आइए आपको पूरा तरीका बताते हैं। फ्रेंड्स, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज मैं ठंडी में बचे हुए चावल अगर आपके यहाँ बच जाता है तो सुबह ब्रेकफास्ट बहुत बेहतरीन बना लेंगे। ये हमने जीरा डाल दिया आधा चम्मच, और जीरा के साथ साथ हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ हरी मिर्च भी डाल देंगे फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, साथ में थोड़ा सा गाजर से भी डाल देंगे। एक गाजर कट कर लिया महीन महीन, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। कश्मीरी शिमला मिर्च इसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा हो जाए। उसके बाद इसमें हम टमाटर भी फ्राई कर लेंगे। तो बचे हुए चावल जो है या तो आप फ्रिज में रख दीजिए, गर्मी में भी बना सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को रात को खाने के साथ चावल भी बच जाता है, और नहीं भी बचता है तो आप ताजे भी बना सकते हैं। इस तरीके से वेजिटेबल राइस बहुत ही बेहतरीन बनता है। इसको 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक बढ़िया सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मतलब 30 सेकेंड तक अगर हो सके तो बहुत ही बेहतर है। अब इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक, 1 चम्मच सेंधा नमक, और आधा चम्मच मिर्चा पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि आपके पास, आप जैसे तीखा खाते हो, अगर तीखा खाते हो तो मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसको हल्का फ्राई करते हुए अब इसमें बचे हुए चावल जो है डाल दिए हैं। हाथ से थोड़ा सा ऐसे ही फोड़ लेना है। साथ में थोड़ा सा हरी धनिया भी डाल देना है। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये ब्रेकफास्ट। कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जल्दी में, अगर आपको आपको बचा हुआ है तो समझ में नहीं आता, रोटी पराठा वगैरह ब्रेड वगैरह खाते खाते भूख लग जाती है, तो कभी कभी आप चेंजिंग भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग ब्रेकफास्ट का थोड़ा इसी बहाने वेजिटेबल्स भी मिल जाता है। वेजिटेबल्स बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आप ग्रेट कर लेते हैं गाजर को तो और अच्छा है। तो वेजिटेबल्स फ्राइड राइस है तैयार। इसी तरह आप बना करके बच्चों को, तो इसी तरीके से फ्राइड राइस, इसी में अगर पनीर थोड़ा सा मिल जाए तो और बेहतर हो जाता है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी, झटपट बनने वाली ब्रेकफास्ट, वो भी वेजिटेबल्स फ्राइड राइस हरी मिर्च के साथ। अगर तीखा जैसे खाते हो, बच्चे अगर तीखा नहीं करते इसीलिए हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। झटपट ब्रेकफास्ट बनाने का तरीका और बचे हुए चावल का ब्रेकफास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।